अच्छा, जो थीम मैं रिकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस के लिए, दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का फायदा ये है कि बहुत कर अच्छी ऑप्टिमाइज है। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। जी, विजिबल। ओके ओके, कहाँ गया वो चैट? किसके बारे में कमेंट आ रहे थे? नवाज शरीफ की ट्रेन? व्हाट मतलब इज दिस? कनेक्ट हो तो लाइफ बहुत बोर होती है ना, नवाज शरीफ की तरह। अच्छा, वो मेरे पास नहीं आया ना, मेरे पास ये नवाज शरीफ की तरह तक आया, और एक जिसमें हमारे भाई ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अबाउट पिट से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली तो एतिसलात इसके शेयर खरीद चुका है, लेकिन करवा अमेरिका गुड, ठीक है। है। अच्छा जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये जेनेसिस फ्रेमवर्क है जो कि वर्डप्रेस के लिए बहुत बेहतरीन है। आप जस्ट इसको डाउनलोड करके, ये मतलब $60 में ये लोग देते हैं, आप इसको अपने साइट पे जब इंस्टॉल करेंगे तो आपकी साइट जो मजीद SEO ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये कोडिंग इसकी बिल्कुल, इन्होंने स्कीमा को अपने सामने मद्देनजर रख के और उसके मुताबिक इसकी कोडिंग की है। और इससे साइट जो मेरी सारी साइट्स हैं वो सब पे जेनेसिस है। ये जो imansoor.com आप देख रहे हैं, इस पे भी जेनेसिस फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये बहुत अच्छा ये इसका फ्रेमवर्क है। मतलब मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, जो इस यहाँ पर इस सेशन में है उनको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा सा एप जो है, उसका थीम जो है, प्लगइन गिफ्ट में, यार बेसिकली तो फ्री में है गिफ्ट, उसका क्या करूं मैं? अच्छा थीम, इसके काफ़ी थीम्स हैं और मैंने बहुत सारे थीम परचेज किए हुए हैं क्लाइंट्स के लिए। आप इसके थीम में देख लें, शॉप फॉर थीम्स, अगर कोई थीम आपको पसंद आता है मुझे बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे पास पड़ा होगा, कोई इशू हुआ तो मैं आपसे सॉरी कर लूँगा, अगर हुआ तो मैं दे दूंगा। अक्सर मोस्टली मेरे पास पड़े हैं प्रीमियम वाले। फ्रेमवर्क तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा आपके इस ग्रुप में, और आप वो जो है आप वर्डप्रेस में इसको सिंपली इंस्टॉल करें। पहले आप जेनेसिस फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, उसके बाद आप जो है वो आप इंस्टॉल करना उसमें जो भी कोई थीम होगी। ये माशाल्लाह से भी पोस्ट ही लोड कर रहा है क्या? रेडमी पोस्ट। अच्छा जी, ये किस्मत भी हो गया। उसके बाद ये देखिए ना, इसकी थीम अच्छा, ये देखें, ये जो एडिटर था ये विदाउट टाइनी MCE है, इसमें जस्ट ये थोड़े से ऑप्शंस हैं। ये जो वर्डप्रेस का एडिटर है ये विद टाइनी MCE है, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसने मेथड दिए हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स उसने दिए हुए हैं, तो इसलिए वो फायदेमंद चीज़ है। बाकी ये एड मीडिया सब में होगा, एड एलिमेंट और कॉन्टेक्ट, ये मैंने प्रीमियम प्लगइन एक और यूज़ किया है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। और ये जो आपका बोरिंग सा एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह से अट्रैक्टिव वन बन जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, इसमें जब आप जेनेसिस इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से जेनेसिस आ जाएगा, ठीक है। और जेनेसिस पे क्लिक करें, जेनेसिस पे क्लिक करेंगे तो आगे उसकी जो सेटिंग्स हैं, थीम सेटिंग्स हैं, वो खुल जाएंगी। अभी तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसको अपडेट करें, तो अपडेट भी हो जाएगा। ये जून 15 वाला है मेरे पास, चेक फॉर अपडेट्स मैंने टिक किया हुआ है। ये कस्टम फीड वगैरह इस पे, ये भी बंदा पूछ रहा था ब्रेड क्रम्स का, ठीक है। तो जेनेसिस में बहुत इजी है, ब्रेड क्रम्स का सेक्शन है, एनेबल ब्रेड क्रम्स ऑन, कहाँ कहाँ पे आपने एनेबल करने, जस्ट यहाँ से आप टिक कर दें वो खुद ही हो जाएंगे, आपको कोई लंबी चौड़ी सेटिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने होम पेज पे डिसेबल किए हैं, बाकी हर जगह डिसेबल किए हैं, सिर्फ सिंगल पोस्ट पे मैंने इनेबल किए हुए हैं ताकि यूजर को पता लगे वो कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है।
सर मुझे जेनेसिस थीम की समझ क्या कह रहे हैं जी, मैं ब्रेड क्रम्स का बताता हूँ क्या होते हैं। मुझे जेनेसिस थीम का समझ नहीं आ रहा, पहले उसका फ्रेमवर्क जी, पहले उसका बेशम फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसकी थीम इंस्टॉल करनी है। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, क्या होता है ब्रेड क्रम्स? बेसिकली आपके ट्रेसेस होते हैं ना, कि यूजर को बताते हो आपके कहाँ पे खड़े हो इस वक्त साइट पे। अगर मैं aymansoor.com पे जाता हूँ, मैंने सिंगल पोस्ट पे इस वक्त ऑन किए हुए हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। aymansoor में ब्लॉग पे गया, अभी ये ब्लॉग का पेज आ गया ना, तो यहाँ पे कोई ब्रेड क्रम्ब वगैरह कुछ नहीं आ रहा। मैं ये पोस्ट पे जाता हूँ, ये भी पोस्ट आ गई, पोस्ट आ गई ना, तो ये पोस्ट में ये ब्रेड क्रम होता है, ब्रेड क्रम आ रहा है यू आर हेयर, होम पे थे पहले, फिर एसईओ कैटेगरी, एसईओ कैटेगरी के बाद इस पोस्ट में आप लोग खड़े हो। ठीक है, आपको बता रहा होता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हो इस साइट पे। आप अगर कैटेगरी में जाओगे तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, और एसईओ वाली कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट है वो सारी पोस्टिंग उसको शो हो जाएगी। तो ये होता है जी ब्रेड क्रम्स, आप अपने यूजर को बताते हो कि वो इस वक्त कहाँ पे है। इसकी समझ आ गई? ओके फाइन, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स का फायदा ये है कि यूजर को आप वापस अपनी कैटेगरी में भी लेके जा सकते हो, और उसको बताते हो कि हमारी साइड में पहले ये सेक्शन था होम, उसके बाद ये कैटेगरी थी, उसके बाद ये सीन है।